लखनऊ कैब ड्राइवर सारत अली सिद्दीकी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, वही कैब ड्राइवर जिसे प्रियदर्शनी नारायण यादव नामक एक महिला ने सरेआम चौराहे पर 22 थप्पड़ जड़ दिए थे और उसी के खिलाफ शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। लखनऊ में थप्पड़ गर्ल प्रियदर्शनी यादव द्वारा 22 थप्पड़ खाने के बाद जो चर्चाओं में कैब ड्राइवर आ गए थे जिनका नाम सारत अली था, उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। जी हाँ, राजनीति में आ गए हैं सारत अली और पुरुषों के लिए आवाज उठाने के लिए शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम दिया है। लखनऊ प्रकरण में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह थी कि कैब ड्राइवर की ईमानदारी और उनकी सहनशीलता की सभी ने तारीफ की थी। यहाँ की दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी इनकी तारीफ की थी क्योंकि उन्होंने थप्पड़ खाने के बावजूद भी महिला को कुछ नहीं कहा था और सिर्फ लोगों से गुहार लगाई थी कि वो उनकी मदद करें, लेकिन लोग उनकी मदद करते नजर नहीं आ रहे थे। कैब ड्राइवर के ऊपर तमाम धाराएं लगाई गई थी, उनके भाइयों को परेशान किया गया था और साथ ही साथ अगर बात की जाए कानून की तो कानून का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया गया था। इस मामले में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी थी और अभी भी केस चल रहा है। हालांकि प्रियदर्शनी मीडिया में अपना पक्ष रखती हुई नजर आई थी लेकिन उनकी ऊटपटांग बातों की वजह से पूरा मुद्दा उनके अगेंस्ट ला गया था। लखनऊ कैब ड्राइवर की खबर सामने आने के बाद कई ऐसे आयोग सामने आए थे, कई ऐसे लोग सामने आए थे जिन्होंने बताया था कि उनके साथ पुरुष होने की वजह से उत्पीड़न किया जा रहा है। वेमेन एम्पावरमेंट की वजह से कुछ लड़कियां किस तरह से पुरुषों को तंग करती हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करती हैं, कानून का दुरुपयोग करती हैं और किस तरह से बर्बरता करती हैं, ये बात भी देखने को सामने आई थी। और इस पूरे मुद्दे में हैरान करने वाली बात यह है कि सारत अली सिद्दीकी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। 30 जुलाई का ये केस है, आप समझिए कि साल खत्म होने वाला है, तकरीबन 5 से 6 महीने इस पूरे मामले को हो चुके हैं और इस बड़े अंतराल के बावजूद कैब ड्राइवर को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। कैब ड्राइवर सारत अली के मुताबिक बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें पुरुषों की सुनवाई नहीं होती है और एक उनका मामला भी इस बात का एग्जाम्पल है, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। पुलिस अभी तक उन्हें न्याय क्यों नहीं दे पाई है इसके पीछे की वजह भी सामने नहीं आई है। हाल फिलहाल उन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है और उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके उसके सहारे वो न्याय पा पाएंगे। हाल फिलहाल कैब ड्राइवर सारत अली सिद्दीकी की ये मुहिम काबिले तारीफ है और इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा नेशनल मीडिया में हो रही है। सभी ये कह रहे हैं कि सारत अली सिद्दीकी जो हैं वो बहुत बेहतरीन काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं सोच रहा कि 6 महीने से उस शख्स को इंसाफ नहीं मिला है और तब कहीं जाके उसने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।